फ्रेंड्स चलिए आज हम देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और सिंगल प्रोडक्ट हो। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन सॉलिड फॉर्म में चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा गैसियस फॉर्म में। ऐसी हमारी दूसरी एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2H2O ऑक्सीजन एंड 2H2O बन गया। ऐसी हमारी दूसरी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो कि ब्रेक करेगा सिंपलर प्रोडक्ट को। इसका एग्जांपल है फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो फेरस ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस तरह से थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक एलिमेंट जो होगा वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा यानी उसकी जगह पे आ जाएगा, हटा देगा उसको। एग्जांपल के लिए आयरन ले लेंगे, कॉपर सल्फेट, तो आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर आ जाएगा, जैसे इस रिएक्शन हुआ है। ऐसी लास्ट इक्वेशन है हमारी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें डबल बार हो जाएगा यानी दो एलिमेंट एलिमेंट कह लो या एटम कह लो, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। सोडियम में आ जाएगा Cl और बेरियम में आ जाएगा BaSO4, ये वाला रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी। गॉट इट।